हाय फ्रेंड्स आज मदर्स डे है और आज हम बना रहे बनाना वॉलनट केक मेरी छोटी सी बेटी के साथ सो so, स्टार्ट करते हैं ये हमने लिए हैं दो बनाना ये स्मॉल मीडियम बनाना है ठीक है इसको कट कर लिया है ये पाउडर शुगर है थ्री फोर्थ कप पाउडर शुगर लिया है हमने ये ऑयल है हमने हाफ कप ऑयल लिया है वन फोरथ कप दही लिया है घर का और इसमें हमने तीन चीज़ें ली हैं राट इज़ वन टी बेकिंग पाउडर वन फोर टी बेकिंग सोडा एंड वन फोर टी स्पून पाउडर तो अभी और फिर हमें हमने होलवीट होलवीट आटा लेना है और ये हमने डेढ़ कप लिया है इस कप से सारी चीज़ें हम 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 हमने तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे ये हम अब हम डालेंगे बनाना हम ये फूड प्रोसेसर में हम बना रहे हैं मिक्स कर रहे हैं इसको और इसमें हम डाल देंगे शुगर बनाना और शुगर को हमें मिक्स करना है ऐड करेंगे तो ये अभी हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं खोल के तो ये हमारा दोनों चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं अभी इसमें हम आगे ऐड करेंगे हमारा दही एंड ऑयल तो ये हमने दही लिया था वन फोर्थ कप दही लिया था ये हम ऐड कर देते हैं और जो हमने ऑयल लिया था वो लिया था हाफ कप तो इसमें हम ऑयल भी ऐड कर देते हैं तो ये हमारे वेट इन्ग्रीडियंट्स जो भी थे वो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे फॉर एटलीस्ट फाइव मिनट्स जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तो अभी ये मिक्स हो गया है ब्लेंड हो गया है और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अभी इसमें हमें डालना है वनीला एसेंस ये हम क्या डालेंगे वनीला एसेंस। ठीक है वनीला एसेंस इसमें हम डाल देंगे फोर फोर टू फाइव ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस हम डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा स्टिर कर लें आप मिक्स कर लें ठीक है अभी हम क्या करेंगे हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज आटा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सिनेमन पाउडर वो सब डालेंगे हमने आटा डाल दिया है हमें डेढ़ कप आटा डालना है और ये हम इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं हम आ, होल व्हीट आटा ले रहे हैं जो घर का रोटियाँ बनाते हैं वो वाला आटा ले रहे हैं अब ये तीन चीज़ें हमने मेज़र करके रखी हुई है ये तीनों हम डाल देंगे और अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसमें आपको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मिल्क डालना पड़ेगा है और डाल के हम वापस से मिक्स कर लेते हैं ये देखिए है हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है अभी इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल हम चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है तो अब हम टिन तैयार कर लेते हैं हमारा तो हमारा ये हमने जो टिन लिया है ये एल्यूमिनियम टिन है जो कि हम कन्वेक्शन में यूज़ करते हैं इसमें हमने घी डाला है आप ऑयल या बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं तो इसको हम ग्रीस कर लेंगे ये हमने ग्रीस कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे मैदा इसको कोट करने के लिए तो हमने थोड़ा सा मैदा डाला अब इसको आपको कोट करना है जिससे कि आपका केक चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी तो ये हमारा कोट हो गया है अच्छे से मैदा से अब हम इसमें हमारा बैटर डालेंगे और उसके बाद हम इसे बेक रखें। कर रखिए बैटर खराब है इससे पहले कि खराब करे इसको हम बेक करने रख देते हैं ओके सानवी सो so, हमने बैटर डाल दिया है इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हो हमने वालनट्स डाले हैं ऊपर से डेकोरेशन के लिए अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में रखेंगे हमने ओवन ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे ठीक है अभी हम इसको कन्वेक्शन मोड पे अभी हम कन्वेक्शन मोड पे रखना है तो कन्वेक्शन आप प्रेस करेंगे उसको डिजायर टेम्परेचर डेट इज़ वन डिग्री पर लेके आइए और उसके बाद आपको टाइम डालना है हम इसमें फोटी मिनट्स डाल रहे हैं बट आपको थर्टी मिनट्स के बाद एक बार केक चेक करना पड़ेगा इट डिपेंड्स ऑन ओवन टू ओवन कितना टाइम लेता है वो तो अब हम इसे रख देते हैं केक हमने बेक करने रख दिया है और ये देखिए हमारा केक कितना अच्छा आया है एंड ये सानवी हमारी छोटी सी शेफ़ जिसने उन्हें केक कट कराया है मम्मा के साथ एंड ये देखिए कितना अभी हम कट कर चुके हैं और ये देखिए इसका अंदर से मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कितना फ्लफ़ी है कितना सॉफ्ट है और इतना यमी है कि आप सच में आप ट्राई करिए ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड आपकी पूरी फैमिली को अच्छा लगेगा एंड इवन बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही हेल्दी है इसमें बनाना है